सत श्रीकाल राम राम नमस्ते थैंक यू वंस अगेन एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ने के लिए दिस इज़ वीयर व्लॉग एंड आप देख रहे हैं व्लॉग नंबर फोर सो so, गाइज आज uh, कुछ इंटरेस्टिंग करने का नहीं था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से बात कर ली जाए आज और आज आपको रूम दिखाया जाए जिस रूम से मैं ऑपरेट करता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ और uh, थोड़ा सा अपने बारे में आपको आज और बताया जाए So, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कर देना सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा जाद से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि मेरा इंटरेस्ट भी बना रहे और मैं ऐसे व्लॉग्स आपके लिए बार बार ला सकूं सो so, मॉस्किटो नेट तो आपको ही खोला है बिकॉज जो मेरा मॉस्किटो मारने वाला रैकेट था वो कल खराब हो गया था तो uh, मुझे थोड़े से एक दो मच्छर जो है अपने कान के पास ज़ूम ज़ूम जुँ करते हुए फील हो रहे थे तो मैंने कहा चलिए मॉस्किटो नेट पड़ा है मेरे पास इसको खोल लेते हैं थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी एंड uh, मेरा वाइफ और मेरा बेबी जो है वो अपनी नानी के घर गया है तो पूरे बेड पे मैं बिल्कुल फैल के सोया रात को और पहले uh, uh, तो रात को नींद ही नहीं आ रही थी चार पाँच बजे तक तो नींद ही नहीं आ रही थी तो Uh, मैं फ़ोन देखता रहा अपना और स्क्रॉल करता रहा फिर चार पाँच बजे के करीब नींद आई बट सुबह uh, बट सुबह फिर नींद खुल गई सात आठ बजे नींद खुल गई क्योंकि आदत पड़ी हुई है वो आठ बजे नौ बजे उठने की तो उस वजह से नींद खुल गई तो यह बहुत बेसिक सिंपल सा मेरा रूम है अगर आपको दिख रहा है तो ये हमारा बेड है ये दो वॉड्रोब है वो वाली ये वाली वॉड्रोब ये वाली सॉरी ये वाली ये वाली ये वाली ओके वेट ये वाली वॉड्रॉब जो है मेरी है और वो वाली वॉड्रॉब मेरी वाइफ की है बाकी सब कुछ स्टोरेज के लिए वो ऊपर वॉड्रो बना रखा है एंड ये थोड़ा सा रूम में मैंने स्टिकर्स लगा रखे हैं ये वॉल पे हमारी फोटोज़ हैं और ये जो आपके पीछे दिख रहा है गंदा सा ये मेरा ऑफिस डेस्क है ये सुबह से लेकर शाम तक गंदा हो जाता है इसको मैं फेंक देता हूँ मुझे भी अच्छा नहीं लगता और एटलीस्ट मेरा ऑफिस डेस्क कंपैरेटिवली साफ़ है जैसे ही मेरा बच्चा मेरे घर में आ जाएगा यहाँ पे गंद मच जाता है सारा यहाँ पे सामान पड़ा हुआ होता है उसका भी मैंने उठा है, के हैं उसकी अलमीरा के ऊपर रख दिया अच्छा ये मेरे बच्चे की अलमीरा है यहाँ पे उसके टॉयज रखे हुए हैं जो हम खोलेंगे आपको दिखाएंगे फिर उसका हेड में रखा हुआ है जिससे वो बिल्कुल नहीं खेलता है अब और ये ऊपर मेरी बुक हैं कुछ बुक्स जो हैं मैंने गिव अवे करी है एक एप्लीकेशन है फ्री अप करके उस मैंने कुछ बुक सेल कर दी है कुछ बुक गिव अवे कर दी है कुछ बुक्स जो मेरे दिल के पास है वो मैंने अभी भी रखी हुई है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स हैं मैं दिखाऊंगा आपको जो कौन सी मैंने बुक्स रखी हुई है ये थोड़ा सा स्टेशनरी uh, का सामान रखा हुआ है जो कभी कभी यूज़ हो जाता है और uh, या ये प्रिंटर है नीचे मैं एच का प्रिंटर यूज़ करता हूँ अच्छा इस पर आपको वीडियो चाहिए हो तो आई तो मैं एक वीडियो इस पर भी बना सकता हूँ क्योंकि इसको सेटअप करना ही इज़ वेरी टीडियस टास्क तो लेट मी नो अगर इस पर आपको वीडियो चाहिए हो तो सो so, ये मेरा बोर्ड है इस पर मैं अपने थाट्स लिखता हूँ बहुत तो अच्छे अच्छे थाट्स लिखे हुए हैं अगर मैं क्लोज़ली आप लोगों को दिखाऊँ उस so, पर मैंने अपने थाट्स लिखे हुए हैं कुछ भी इमिडिएटली मुझे थाट्स का आइडिया आता है तो मैं उस पर लिख लेता हूँ ये टी वी है जो मैं बहुत रेयरली ही चलाता हूँ ये एक छोटी सी अलमीरा और रखी हुई है इसमें भी सारा सामान पड़ा हुआ है सो बेसिकली बस इसी रूम में मेरा सुबह से लेकर शाम तक टाइम निकल जाता है सो मैंने जैसे आप लोगों को बताया होगा मैंने अभी फ़िलहाल रिसेंटली एक प्रोजेक्ट कम्प्लीट किया है एंड uh, अभी फ़िलहाल में मेरे पास uh, पिछले सात दिनों से कोई काम नहीं है तो uh, मैं लेट उठता हूँ और uh, रात को भी नींद नहीं आ रही है तो सुबह लेट उठता हूँ एंड फिर ब्रेकफास्ट करके थोड़ा सा मैं पढ़ रहा हूँ आजकल तो मैं uh, डेटा एनालिसिस के बारे में पढ़ रहा हूँ तो मैं एस क्यू एल एक्सेल और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को गेन uh, कर रहा हूँ ताकि मैं उसे अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकूँ और डेटा uh, एनालिसिस की फ़ील्ड में आगे अपना करियर बना सकूँ एंड स्टडी के बारे में मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसके बाद मैंने कुछ नहीं पढ़ा मैंने कोई एम नहीं कर रखा एंड टेंथ ट्वेल्थ करने के बाद मैंने ग्रेजुएशन करी और जॉब करी है पाँच से छः साल अपना फ्रीलांस फ्रीलांस करने से पहले मैंने पाँच से छः साल जॉब करी है फ्रीलांस करते हुए भी मुझे एक से दो साल हो गया है और आ, अभी फ़िलहाल एक्सपेक्टेशन यही है कि मैं अपना कोर्स कंप्लीट करूं और फिर हुँ. उसके अकॉर्डिंगली आगे जॉब देखूं या तो फिर फ्रीलांस में ही अगर मुझे कुछ मिल जाता है घर बैठे ही काम करने में तो वो करूं तो अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है बट यू स्टे ट्यून we'll सी कैसे रहता है ये मैं वीडियोस लाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा कि क्या चल रहा है जॉब कर रहा हूँ या इंटरव्यूज पे जा रहा हूँ या फ्री लांस में ही कंटिन्यू कर रहा हूँ बिक फ्री लांस की you वॉट जॉब करना इज़ इज़ गुड थिंग बिकज़ आपको एक फिक्स इनकम आती है बट फ्री में ऐसा कुछ नहीं होता है आप कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए आप अपने क्लाइंट्स को चार्ज करते हैं और uh, क्योंकि मैं एक सिंगल पर्सन फ्रीलांसर लांसर हूँ मेरी कोई टीम नहीं है तो मेरे पास uh, बाकी क्लाइंट्स को बाकी प्रॉस्पेक्ट क्लाइंट्स को रीच आउट करने के लिए कोई टीम नहीं है या बैंडव्रिथ नहीं होती है तो ऐसा नहीं है बहुत फ्रीक्वेंटली काम मिल जाता है सो so, मे मेरे, मेरे पास एक क्लाइंट था जिसके साथ मैं काम कर रहा था उनका काम अभी ख़त्म हुआ है लास्ट मंथ और uh, थोड़ी सी मैंने सेविंग्स कर रखी थी तो इस मंथ को चलाने के लिए तो मेरे पास सेविंग है बट आई डोंट नो कि नेक्स्ट मंथ से क्या होगा तो इसलिए मैं साथ साथ जॉब भी देख रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट बट बहुत डायसी सा सिटन हो रहा है अभी कुछ फाइनलाइज़ नहीं हुआ है कि मैं जॉब करूँगा या फ्री uh, लांस में ही कंटिन्यू करूँगा बट देन अगले पाँच से दस दिन में अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है तो मैं डेफिनेटली फ्री कंटिन्यू करूँगा अदरवाइज़ मैं एक्टिवली जॉब तो देख ही रहा हूँ अगर वहाँ पे कुछ अच्छी सैलरी पे मिल जाता है तो मैं जॉब करूँगा बट मैं आप लोगों को पोस्ट करता रहूँगा सो so, मुझे बताइएगा रूम मेरा कैसा लगा एंड uh, 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 अभी तो कंपैरेटिवली साफ है बट या जैसे ही uh, मेरा बेबी आ जाएगा तो ये रूम तहस नहस हो जाएगा बिकॉज़ उसके ट्वॉयस कहीं बड़े होते हैं उसके कपड़े कहीं बड़े होते हैं सब उठा उठा के इधर उधर रखना होता है तो Uh, उसको भी वो भी बहुत जल्दी जैसे ही आ जाएगा मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊँगा उससे एंड मुझे मोटिवेटेड रखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू तो द चैनल वीडियो लाइक करें कमेंट करें मुझे बताएं कि कंटेंट कैसा लग रहा है और uh, मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा इट जस्ट माय रूम मैं आपको अपना पूरा घर भी दिखाऊँगा uh, तो एक टू बी में मैं रहता हूँ विद माई फैमिली सो ये मेरा मेरी वाइफ का रूम है एंड देन फिर एक ड्राॅइंग रूम है एंड देन फिर एक हॉलवे है फिर किचन है एंड uh, देन फिर मेरी मॉम का रूम है विच इज़ द बिगेस्ट रूम इन दिस होम मॉम डैड का रूम है तो मैं वो भी दिखाऊंगा आपको बट uh, देन आज का मोटो वो टू से हाई एंड हेलो टू यू बिकॉज कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट आप लोगों से बात करी जा सकती है आज एंड या दैट इज़ इट सो गाइज चलता हूँ आज के लिए एंड से हाई टू मी बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल वीडियो को लाइक like कर दीजिए प्लीज़ और शेयर uh, कर दीजिए अगर अच्छी लग रही है तो अगर नहीं लग रही है तो दो भी कर दीजिए शेयर करने में क्या जाता है और राइट बाय